25 जून 1983 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, इंडिया 183 पे ऑल आउट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉन ट्रैवलिंग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। सो 2021 एंड होने जा रहा है और इस साल का मेरा लास्ट व्लॉग एक फिर से मूवी रिव्यू पे होगा। और जो आज मूवी मैं देखने जा रहा हूँ 83, जो आई गेस उसको एक वन वीक हो चुका है वे, बट मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं अपने वर्क में बिजी था, तो सोचा आज देख के आते हैं मूवी। रिशीला डायरीज आपने आई गेस देखी होगी, आई गेस आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो आगे भी ऐसे वीडियोस बनानी है। तो आज डेट हो रही है 30 दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं अभी, और 6:30 बजे का मेरा शो है, तो बस मैं जा ही रहा हूँ अभी। और जो मेरा फ्रेंड उस दिन आपने देखी होगी ग्रोही मूवी रिव्यू पे, जिसने 2 पॉइंट्स दिए थे, 5 जिसको मूवी बहुत अच्छी लगी थी कि अच्छी मूवी है, बढ़िया है, देखने आओ, मैं उसमें 2 पॉइंट्स देता हूँ, वो बंदा मेरे साथ जा रहा है, पंकज उसका नाम है। तो बस अभी जा ही रहा हूँ मैं और निकल ही रहा हूँ, ठंड भी बहुत हो रही है अभी, बस जैकेट वगैरह हुडी वगैरह डाल के फिर निकलते हैं, फिर मैं आपको सीधा वहाँ पे मिलता हूँ। उससे पहले आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना है और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक देखना, देखते जाइए बस। सो भी मैं बस मॉल में पहुंच चुका हूँ, लेट हो रहे हैं फिर से पहले की तरह, 6:15 हो चुके हैं। और पीछे आप जानते हो इस बंदे को, पंकज कौन सी मूवी देखने आज हम 1983 फिल्म, क्रिकेट पे वर्ल्ड कप के ऊपर एक बनाई गई फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मूवी के बाद इनसे बताऊंगा कि कैसा लगा, इंटरव्यू में भी दिखाऊंगा कैसी लगी इनको मूवी, राइट। बाकी चलते हैं देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो तो मैं भी बस अंदर आ ही चुका हूँ और ऑडिटोरियम में जा रहे हैं। आपको टिकट प्राइस बता दूँ इसका, जो हमें पड़ा है 190 रुपीज़ पर टिकट। तो बस 5 मिनट रह रहे हैं और बताता हूँ फिर अंदर कैसी मूवी है, चलिए चलते हैं। पंकज रेडी हो? रेडी, एवर रेडी, चलो फिर। इंट्रो लाया मूवी का और बढ़िया मूवी लगी। मतलब कैसी लगी मूवी इंट्रो तक की? बढ़िया लगी, बहुत अच्छी लगी, अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया। बस आगे एंड होगा उसके बाद रिव्यू देता हूँ पूरी मूवी कैसी थी। ये बता 5 में से कितनी रेटिंग देगा अभी मूवी का? 5 में से 4, क्या बात है। जैसे लास्ट टाइम मैंने 5 में से 2 पॉइंट्स दिए थे लेकिन मूवी अच्छी थी, आज 5 में से 4 पॉइंट दिए। तो रिव्यू के बाद, इंटरवल के बाद, पूरी मूवी के बाद ही मिलते हैं। जून 1983 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, इंडिया 183 पे ऑल आउट। सही बता रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि मैं लेट हो गया था मूवी देखने में, जब रिलीज़ हुई थी मैं तब नहीं देख पाया था, बट वन वर्ड रिव्यू दो ना,
पूरी पैसा वसूल है। ऑब्वियस है यार, होएगी 1983 इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी। आओ मैं अपने दोस्त से पूछवाता हूँ कैसी लगी मूवी। पंकज कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। कितनी रेटिंग दोगे? तो 5/5 दूंगा। 5/5 रेटिंग? मैं भी 5/5 रेटिंग दूंगा। मैं कह रहा हूँ एक बार आओ यार मूवी देखो, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। तो इसी व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? तो मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, ओके, और 2022 आपका बहुत ही अच्छा जाए। तो वीडियो को एंड करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो मेरी 2022 की पहली वीडियो होगी, आई गेस कहीं पे मैं घूमने जाऊँगा, वहीं की होगी। तो उससे पहले तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर। चीज़ और मैं बताऊंगा कि जो ये 83 मूवी है, ऐसा नहीं कि कपिल देव की स्टोरी पे, मतलब पूरी की पूरी कपिल देव जैसे पहले जैसे एमएस धोनी थी पूरी लाइफ के ऊपर, नहीं नहीं, वो जो 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था ना, पूरी की पूरी उसी के ऊपर है। बस खाली वो 83 का वर्ल्ड कप ही, जितने भी मैच होते हैं सब कुछ दिखाते हैं। तो पंकज आपको क्या लगा सबसे बढ़िया पूरी मूवी में, सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी? सबसे बढ़िया ही लगी तो मूवी में क्रिकेट खेलना, जो सबसे पहला वर्ल्ड कप लेना इंडिया का, सबसे पहला वर्ल्ड कप 83 में ले गया और कपिल देव के अंदर ले गया। पहले दो मैच जीतने के बाद जब दो मैच हारी, एक बार तो इंडिया हार गई थी अच्छी तरीके से, उम्मीद सबने छोड़ दी थी, लोगों ने छोड़ दी थी, लोग कहते थे कि भाई दो मैच जीत गए अब क्या करेंगे, अब तो वापस आ जाए। बस दो मैच हारने के बाद जो कमबैक किया वो ज़्यादा अच्छा लगा। कपिल ने बोला सीधा कि नहीं यार जीतना है वर्ल्ड कप, बस। तो भाई हुआ, तो आइए एक बार मूवी ज़रूर देखिए।